दूधपत्री जाने के रास्ते में भरपूर स्नो हो रहा है, हेवी स्नोफॉल है, और देखिए स्नोफॉल कितना हो गया। ये जनवरी का फर्स्ट वीक है और इतना स्नो हो रहा है इधर। अभी हम श्रीनगर आए हैं, होटल से चेकआउट कर दिया हमने। ये हमारा फोर्थ डे आज गुलमर्ग श्रीनगर एक्सप्लोर करने का, कश्मीर का। अभी कहाँ जाएंगे डिसाइड नहीं किया है, अभी बारिश हो रहा है इधर। सो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के लिए कृष्णा वैष्णो भोजनालय, इधर देखिए बोर्ड लिखा है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। आप इधर भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं, अच्छा इधर। तो अभी हम इधर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर कहाँ जाना है डिसाइड करेंगे। श्रीनगर होटल से जो कृष्णा वैष्णो ढाबा पे ब्रेकफास्ट किया था, उधर से हमने डिसाइड किया कि हम दूधपत्री जाएंगे। और दूधपत्री के लिए निकल गए लगभग रेस्टोरेंट से, कृष्णा वैष्णो ढाबा रेस्टोरेंट से लगभग 1.5 आवर्स 2 आवर्स लगता है दूधपत्री जाने के लिए। सो अभी हम दूधपत्री पहुँचने वाले हैं। सो ऑन द वे रास्ते पर जो चढ़ाई है, चढ़ाई में जाने के बाद स्नोफॉल हो गया, तो देखिए अभी कैसा है नज़ारा इधर। अभी दूधपत्री इस रोड से पूरा सीधा जाना है अभी, और थोड़ी दूरी है हम पहुंच जाएंगे अभी। सो स्नोफॉल से कारण गुलमर्ग की तरह दिख रहा है अभी पूरा, देखिए। सो हो टाइम से पूरा हुक गया है। फ्रेंड से बताता हूँ मैं आपको। यही हमारा गाड़ी है जो सामने दिख रहा है, हमने इनोवा क्रिस्टा लिया था, वही गाड़ी है। गाड़ी एकदम नया है, मस्त है गाड़ी। गाड़ी का डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अभी दूधपत्री चलते हैं। दूधपत्री के लिए इधर से और 20 किलोमीटर है, और हमारा गाड़ी उधर खड़ा है जो कि ऊपर चढ़ने रहा है, पूरा स्लिप हो रहा है, बर्फ़ ज़्यादा गिर रहा है अभी इधर। आपको दिख रहा है पूरा नज़ारा ही बदल गया है टोटली, जितना ऊपर आ गए उतना आगे, इस ऊपर गाड़ी जा नहीं रहा है, अच्छा स्लिप हो रहा है। लेकिन अगर आप दूधपत्री आ रहे हैं ना, अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो दूधपत्री ज़रूर आइए, वो भी विंटर में आ रहे हैं तो ज़रूर आइए। लेकिन आप जा पाएंगे नहीं वो मुझे पता नहीं, बट ट्राई कर लीजिएगा एक बार। अभी देखिए कितना बर्फ़ गिर रहा है इधर, आगे नहीं जा पा रहा है गाड़ी। क्या वो आगे गाड़ी जाएगा आगे जाएगा, कोई कोई समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इधर से भी बताता, बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रहा है इधर। ड्राइवर को बहुत बोला मैंने आगे जाने के लिए, लेकिन ड्राइवर नहीं जा रहा है, गाड़ी स्लिप हो रहा है। अभी क्या करें कोई समझ में नहीं आ रहा, रिटर्न जाना है या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो उधर वेट करके देखते हैं होता है क्या नहीं। कहाँ जाता है आगे? हाँ कहाँ जाएगा आज? गाड़ी नहीं जाएगा? नहीं, नहीं। अच्छा हाँ। क्यों स्लिप हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। अच्छा यहाँ तो अभी कम है ना, जैसे कि 1 किलोमीटर आप जाओगे तो उससे ज़्यादा होगा। अच्छा फिर ये बढ़ जाएगा, मतलब अगर यहाँ 1 इंच है हाँ तो खान साहब में 2 इंच हो गए, ऐसा है क्या? हाँ फिर तो वो 6 फुट हो जाएगा, जहाँ आपको जाना है ना वहाँ फुट हो जाएगा। अच्छा बर्फ हो उधर, खुदा ना जान बूझ अच्छा। के कोई नहीं करेगा सर, अच्छा बात है ही नहीं सर। अच्छा अभी हमें उतरना है, उसका दिक्कत है। अच्छा अभी उतरने में भी दिक्कत होगा। अच्छा वैसे दूधपत्री में क्या है एक्चुअली देखने के लिए? पहाड़ है सर, बस पहाड़ है, व्यू है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे आपने गुलमर्ग में देखा ना, हाँ वैसा ही है। अच्छा तो अभी थोड़ी दूर इस स्नो का मज़ा लेंगे इधर, फिर रिटर्न जाएंगे श्रीनगर।
जोरदार स्नो हो रहा है यार। दूधपत्री से अभी हम श्रीनगर आ गए और ये दाल लेक है, और दाल लेक का भी फ्रीज हो गया है, स्नोफॉल इधर भी हो रहा है दाल लेक पे। और अभी हम लंच करेंगे, लंच करने के लिए इधर एक फेमस रेस्टोरेंट है, प्योर वेज है वो भी, वो वेज रेस्टोरेंट का नाम है राजा ढाबा, ये जो दिख रहा है यही है। अभी हम लंच करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, अभी लंच करेंगे। इधर भी स्नोफॉल हो रहा है, आगे क्या करने वाले हैं पता नहीं है, बताता हूँ। यही है राजा ढाबा, इधर भी खाना बहुत अच्छा है। पूरा फ्रीज हो गया इधर, ये जो बर्ड्स दिख रहे हैं इधर पानी पे, ये सब माइग्रेंट बर्ड्स है। एक मिनट रुके, जूम करके बताता हूँ। ये सब बर्ड्स इधर है, ये सब माइग्रेंट बर्ड्स है इधर। तो चलिए अभी राजा ढाबा चलते हैं। और ठंडे इधर, देखिए इस पूरा हड्डी फट गया, देखिए दिख रहा है पूरा फट गया। पनीर बटर मसाला, तंदूरी रोटी, सलाद और कश्मीरी पुलाव आने वाला है। खाना हो गया, अभी बाहर बर्फ पड़ रहा है, देख स्नोफॉल हो रहा है अभी। ये हमारा जा रही है, ये देखिए बर्फ गिर रहा है, हाथ दुज रहा है, हाथ भी दुज रहा है। बर्फ ज्यादा हो गया अभी, तो चलिए अभी होटल चलते हैं। होटल बुकिंग नहीं किया है, होटल जाके देखते हैं कौन सा होटल लेना है। होता है ये। अभी दाल लेक के पास तो आ गए, पर इतना स्नोफॉल की वजह से पूरा फॉग हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस इतनी सी गैप में देख के जा रहे हैं। पूरा फॉग हो गया, स्नोफॉल गिर रहा है श्रीनगर में। होटल पे आ गए, अभी उसी होटल पे रह रहे हैं हम, 3 दिन से इसी होटल पे रह रहे हैं। बहुत ठंडा है भाई इधर, तो सब फ्रीज हो गया, अभी इधर भी पूरा बर्फ हो गया। अभी आज का वीडियो हम इधर ही एंड कर देते। आपको कुछ डाउट्स हुआ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स क्लिक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेम्बरशिप ज्वाइन कीजिए, आपको स्पेशल एक्सेस मिलेगा। अभी इधर बॉनफायर हो रहा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है अभी। और अभी पहलगाम बाकी है, सोमवार बाकी है, सो अभी नेक्स्ट वीडियो इसमें आएगा। सो आपको मैं कल मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नई लोकेशन। बाय बाय।